हमारे के पास जनरल पब्लिक के बीच हमारी यही ऊपरवासी दुआ है कि ये जो कोरोना वायरस पूरे विश्व के बीच इसका जो महामारी चल रही है इसे बचा जाए और हमको पूरे देश के साथ एकजुट खड़ा होना पड़ेगा। आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कितने बड़े हमारे लिए बंदोबस्त किए हुए हैं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज पिछले 5-7 दिन से लगी हुई है जनरल पब्लिक की सेवा के लिए और हमें भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए और हम सब लोगों का कर्तव्य है, हम सब ने मिलकर इस कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म करना है। और मैं अपने साथी लोगों को यही दुआ करना चाहता हूँ, उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें और मेरे सरदार भाई भी जो पाठ करें और साथ में जो मुस्लिम भाई हैं वो अपने कलमे के अनुसार उस अल्लाह ताला को याद करें ताकि हमारे देश की भी ये जो कोरोना वायरस है ये जड़ से ख़त्म हो और आपस में भाईचारा रखें। और दूसरा, जो बाहर की जो चीज़ें हम जो खा रहे हैं यूज़ कर रहे हैं उसे हमें अवॉइड करना चाहिए और लोगों के बीच जागरूकता पैदा होनी चाहिए। उसी जागरूकता के सिद्धांत के ऊपर आज हमने यहाँ पर समाज सेवा सोसाइटी ने यहाँ पर जो प्रोग्राम किया है इसी का यही मकसद है कि हमें लोगों को जागरूकता करना है और आपके चैनल के माध्यम से ये बात जो है सब लोगों के घर घर तक पहुँचेगी। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। आज का प्रोग्राम जो है यहाँ पर पहाड़ी वेलफेयर फोरम JNK और समाज सेवा सोसाइटी पुंछ की तरफ से हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हम ये कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए आज हमने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी वार्ड हैं उन सब वार्ड में हम सैनिटाइजर भी बांटेंगे और पंपलेट जितने भी हैं वो लोगों को बांटेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि कोरोना वायरस से कैसे बचना है। इसमें सिंपल सा है, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हम उनसे अपील करेंगे, जितनी चाहे कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पूछ के जितने भी रिलीजियस हेड हैं, मौलाना हजरात हैं, पंडित हजरात हैं या गुरुद्वारे में जो हमारे भाई जी भी बैठते हैं उनसे हमारी अपील होगी कि उनके कंटेक्ट में, आज वो जमाना नहीं रहा पुराना जमाना, आज के दौर में सब लोगों के कंटेक्ट में कम से कम 200-400 लोग होते हैं। अगर हम अपने घर में ही बैठ के सभी लोगों को कंटेक्ट करेंगे और उनको अवेयर करेंगे कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है तो हमारे इलाके में ये जो है वबा नहीं फैल पाएगी। आज तक ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र है कि ये फकीरों की धरती है, यहाँ पर संत महात्माओं की धरती है, यहाँ पर संत अलाई बाग की जारत है, यहाँ पर डेरा बाबा निगाली साहब है, खड़ा मंदिर है और बहुत सारी रिलीज जो है इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, जिनके कारण आज तक यहाँ पर ये बीमारी के जो है वो बहुत कम सिम्टम देखे गए। तो हमारी ये सभी जितनी भी रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं बगैर कलर क्रीड सेक्ट के, ये सारे लोग जो हैं वो अपने अपने वर्कर्स को फोन पर ही अगर बताएंगे बाहर इकट्ठे ना हों, ज़्यादा दूर जो है भीड़ ना लगें, मेंटेन रखें और जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आती है उस पर पूरा का पूरा ध्यान दें। और प्रधानमंत्री जी ने जो कल संदेश दिया है कि संडे के दिन जो है वो सभी लोग जो है उनसे बाहर नहीं निकलेंगे और उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत